तो गाइस ये मारुति सुजुकी डिजायर एलेक्सा यानी बेस वेरिएंट गाड़ी है, जिसके आप फ्रंट लुक देख रहे हैं। फ्रंट से काफ़ी अच्छा लुक है गाड़ी का देखने में। इसमें जो वेरिएंट आते हैं वो जान लेते हैं। एलेक्सा VXI ZXI और ZXI प्लस इसका टॉप वेरिएंट है जिसका रिव्यू करेंगे। एलेक्सा गाड़ी है, फ्रंट लुक देख रहे हैं आप गाड़ी की। फ्रंट से काफ़ी अच्छा लुक है गाड़ी का देखने में। इसमें आपको हैलोजन हेडलैम्प दिए गए, साथ में इंडिकेटर मिल जाएंगे। फॉग लैंप नहीं मिलते, आफ्टर मार्केट आप लगवा सकते हैं। इसका मोनोग्राम क्रोम फिनिश के साथ दिया गया है, सिल्वर फिनिश मिल जाएगी। फॉग लैंपों के साइडों में देख रहे हैं आप। बात करेंगे व्हीलों के, तो इसमें आपको JK के टायर दिए गए हैं जिनका साइज़ है 14 इंचज़ का है। और इसमें आपको फेंडर पे इंडिकेटर दिए गए हैं, साइड मिरर आपको ब्लैक ही दिया गया है, डोर हैंडल भी आपको ब्लैक ही दिए गए हैं देख रहे हैं आप। ये साइड प्रोफाइल है गाड़ी की, साइड प्रोफाइल से काफ़ी अच्छा लुक है गाड़ी का देखने में। देखिए तो ये सीडान गाड़ी है, तो लेगरूम की प्रॉब्लम नहीं मिलेगी आपको इस गाड़ी में। काफ़ी बढ़िया लेगरूम मिल जाता है, बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा है इसका। ये रियर प्रोफाइल है गाड़ी की, रियर प्रोफाइल से भी काफ़ी अच्छा लुक है। एंटीना दिया गया है रूफ के ऊपर, डायमंड स्टॉप लैम्प, इसका मोनोग्राम क्रोम फिनिश के साथ, क्रोम की गार्निश मिल जाएगी। 4 पार्किंग सेंसर दिए गए हैं रियर के बम्परों पर। डिज़ायर गाड़ी है, तो डिज़ायर जैसे कि लिखा भी हुआ है। दूसरी साइड की प्रोफाइल है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें 37 लीटर की दी गई, यहाँ से आप फ्यूल भरवाएंगे। तो दूसरी साइड की प्रोफाइल भी आपने देखी ली। रियर डोर का इंटीरियर देख लेते हैं। तो रियर डोर में आपको ये वाला डोर मैनुअल दिया गया है, बोट लिखने का स्पेस मिलेगा, स्पीकरों की जगह दी गई, आफ्टर मार्केट स्पीकर लगवा सकते हैं। यहाँ पे आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक दिया गया है, तो ये वाला डोर भी मैनुअली मिलेगा। रियर के क्या आपको 4 डोर मैनुअल दिए गए हैं, और इसमें आपको हेडरेस्ट जो फिक्स्ड दिए गए हैं, फ्रंट के भी और रियर के भी हेडरेस्ट फिक्स्ड ही मिलेंगे। पोस्टी आपको बीच कलर की दी गई है इसमें पूरी। ये वाला डोर भी मैनुअली दिया गया है, बोट लिखने का स्पेस मिलेगा, स्पीकरों की जगह दी गई, आफ्टर मार्केट स्पीकर इसमें लगवा सकते हैं। ग्रिप असिस्टेंट मिल जाएंगे लेफ्ट राइट में। इसमें आपको हेडरेस्ट फिक्स्ड ही दिए गए हैं। लेगरूम बहुत ही बढ़िया, लेगरूम की प्रॉब्लम नहीं मिलेगी आपको इस गाड़ी में। देखिए काफ़ी अच्छा लेगरूम मिल जाता है। ये फ्रंट डैशबोर्ड की लुक है, जैसे कि मेरे ये पैसेंजर सीट पे बैठा हूँ, मैं फ्रंट डैशबोर्ड की एक लुक देता हूँ, कैसा लगता है आपको फ्रंट डैशबोर्ड देखने में। तो ये फ्रंट डैशबोर्ड की लुक आप देख रहे हैं, डिज़ायर एलेक्सा गाड़ी है। तो जैसे कि मैंने बताया स्पेस की प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। चलते हैं फ्रंट डोर का इंटीरियर देख लेते हैं। रियर डोर का इंटीरियर तो आपने देख ही लिया। ये फ्रंट डोर का इंटीरियर है, ये वाला डोर भी आपको मैनुअल दिया गया है। देखिए बोट लिखने का स्पेस दिया गया है, स्पीकरों की जगह दी गई, आप मार्केट स्पीकर लगवा भी सकते हैं। राइट साइड में एसी वेंट्स, हेडलाइट लेवलिंग के यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं, दोनों की सिंपल दी गई है, रिमोट की नहीं मिलेगी। यहाँ से आप बैक डोर भी खोल सकते हैं और फ्यूल डोर भी खोल सकते हैं। ये आपको ओनली बैक एडजस्ट दी गई, हाइट एडजस्ट नहीं मिलेगी ड्राइवर सीट। MID में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि आपको क्लॉक बताएगा, किलोमीटर बताएगा, कुछ वार्निंग लाइटें भी दी गई हैं इसमें, सीट बेल्ट की लाइट और स्टीयरिंग व्हील कुछ ऐसा ही मिलेगा। SRS एयरबैग्स का मोनोग्राम क्रोम फिनिश के साथ, 3-स्पोक व्हील के साथ, राइट साइड में हेडलाइट की, लेफ्ट में वाइपर के कंट्रोल्स, 2 AC वेंट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता, आफ्टर मार्केट आप लगवा सकते हैं। AC कंट्रोल्स मिल जाएंगे, AC मिलता है इसमें, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा, 2 कप होल्डर रखने का स्पेस मिल जाएगा, गियर लीवर 5 और 1 रिवर्स के साथ, हैंडल लीवर नॉर्मल मिलता है, एक SRS एयरबैग और मिल जाएगा ड्राइवर साइड। ये आपका ग्लो बॉक्स जो बहुत ही बढ़िया स्पेस, ये वाला डोर भी आपको मैनुअल दिया गया है, बोट रखने का स्पेस मिलेगा, स्पीकरों की जगह दी गई है, आफ्टर मार्केट स्पीकर इसमें लगवा सकते हैं। फ्रंट में आपको सनवाइजर दिया गया है, IRVM और ड्राइवर साइड सनवाइजर, ग्रिप असिस्टेंट। तो फ्रंट डोर का इंटीरियर भी आपने देख ही लिया। चलिए बैक डोर खोल लेते हैं, बूट स्पेस देख लेते हैं, कैसा बूट स्पेस मिलता है आपको इसमें। तो बैक डोर खोल लेते हैं, बैक डोर खोल लिया हमने, देखिए बूट स्पेस काफ़ी अच्छा है इसका। लगेज रूम लाइट वगैरह नहीं मिलेगी आपको इसमें। ये आपका स्पेयर व्हील है, जो कि स्टील व्हील ही दिया गया है, 14 इंचज़ का ही है। तो बूट स्पेस भी आपने देख लिया इसका। यही था इस वीडियो में। सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।